दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका Xiaomi का फ़ोन हो या इसके अंदर MIUI 12 हो या MIUI 12.5 हो या MIUI 11 भी हो, तो अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपका फ़ोन MIUI 12 पर हो या MIUI 12.5 पर हो या MIUI के किसी भी वर्ज़न पर हो, तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है मेरा फ़ोन है यहाँ पर MIUI 12.5 पे चल रहा है, जो कि मैं कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि MIUI स्लो चल ही रही है, जब से जो है अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं, तो MIUI काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है हमारा फ़ोन Xiaomi का। ठीक है, तो आपको उसको कैसे फिक्स करना है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन में या माय डिवाइस में, और फिर आपको जाना है ऑल स्पेक्स में। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको MIUI वर्ज़न दिखाई देगा। सिंपल आपको जो है इस पर 8 से 10 बार जल्दी जल्दी टैप करते रहना है, कुछ इस तरीके से। देख लीजिए आप, देख लीजिए, फिर आपको बैक जाना है, फिर आपको एक जो है स्क्रॉल करना है नीचे, फिर आपको जो है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स दिखाई देगा एक ऑप्शन, इसके अंदर आपको जाना है। देख लीजिए, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी फ़ोन की सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है, बड़ी सावधानी से आपको जो है बड़ी यहाँ पर इसको नीचे करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ड्राइंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग लिखा हुआ है, सिंपल आपको इस पर आ जाना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ड्राइंग लिखा हुआ है, सिंपल आपको इस पर आ जाना है। एंड फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एनिमेशंस दिखाई दे रहे हैं, जितने भी 3 ऐसे एनिमेशंस हैं इनको आपको चेंज करना है, इसको आपको 0.5x कर देना है या 0.5x कर देना है। ठीक है, तो 0.5x यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर तीनों एनिमेशंस आपको 0.5x करना है। ठीक है, विंडो एनिमेटर एनिमेशन स्किल है, एनिमेटर एनिमेशन स्किल है, तो तीनों को आपको 0.5x कर देना है, इस बात का ध्यान रखिए। देख सकते हैं तीनों एनिमेशन से यहाँ पर 0.5x यहाँ पर मैंने कर दिए, सिंपल आपको बैक करना है। इससे आपके फ़ोन की एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आप जैसी इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका फ़ोन कितना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एनिमेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो MIUI 12 और 12.5s की एनिमेशन थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो जो है इससे आपकी एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आप इंस्टेंटली यहाँ पर देखेंगे कि आपका फ़ोन काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है फास्ट हो चुका है। ठीक है, और फिर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाना है। सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्कैनिंग यहाँ पर चलती है, फिर आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, डेली ऑप्टिमाइज़ करना है सिक्योरिटी ऐप की। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग को आपको बार बार नहीं छेड़ना है, एक बार जो है 0.5x आपने कर दी है, पर आपको डेली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज़ आपको डेली करते रहना है। एंड फिर आपको यहाँ पर एक क्लीनर करना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लीनर का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज भी थोड़ी बहुत खाली हो जाएगी और आपका फ़ोन काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा और हैंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने मेरे यहाँ पर जो ऐप्स हैं तो इसको मैं यहाँ पर अनटिक कर देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐप्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल इसको जो है क्लीन कर देते, और यहाँ पर क्लीनर यहाँ पर सक्सेसफुली क्लीन हो चुका है। फिर आपको एक और जो स्टेप यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको यूटिलिटीज़ के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर बूस्ट स्पीड का, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और डेली आपको बूस्ट करना है। ठीक है, सिक्योरिटी ऐप का काम आपको एक दो दिन छोड़ने के बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो डेली भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप डेली करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग नहीं मारेगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऐप का काम आपको डेली करना है, क्लीनर करना है, बूस्ट स्पीड करना है और ऑप्टिमाइज़ करना है ओनली सिक्योरिटी ऐप के अंदर। ठीक है दोस्तों, कुछ 4 स्टेप्स थे, आपको जो है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।